कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, आज कोई व्लॉग भी नहीं है, आज कोई चैलेंज भी नहीं है, और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ अपनी माय ब्यूटीफुल 10 साड़ीज जो मुझे बहुत बहुत पसंद है। और ये हर फंक्शन में, हर कहीं भी आप जा रहे हो, वो उसमें ये साड़ीज हमेशा फैशन में रहती हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरी जो ब्यूटीफुल साड़ी कलेक्शन है, वो आपको मैं दिखाती हूँ। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अपनी ब्यूटीफुल साड़ियाँ दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है मेरी ब्यूटीफुल साड़ियाँ, तो मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये आती है सिल्क में साड़ी, और ये बहुत ही अच्छा सिल्क है। इसका कलर पर्पल है, और पर्पल कलर ना सब पे ही बहुत खिलता है। बहुत ही हल्का सिल्क साड़ी जो कहते हैं वो है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही सुंदर लगती है मुझे। और ये ना आप छोटे मोटे फंक्शन में, शादी वगैरह में, या किसी भी मतलब पहन के जा सकते हैं, या फिर अब मार्केट जा रहे हो तब भी पहन के जा सकते हैं, किसी के घर जा रहे हैं तब भी पहन के जा सकते हैं। तो ये साड़ी ना मुझे बहुत अच्छी लगी, और काफ़ी बनने में भी अच्छी रहती है। ये बहुत जल्दी से ट्रैप भी हो जाती है साड़ी। तो ये देखिए बहुत सुंदर साड़ी है। तो प्लीज़ कमेंट में बताना कैसी लगी ये साड़ी। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है ये साड़ी। तो सेकंड नंबर पे ये साड़ी है, दिखाती हूँ, ऑरेंज कलर की है, और ये है इसका पल्लू ऑरेंज कलर का, सॉरी मेहरून कलर का, और ये ऑल ओवर साड़ी है ऑरेंज कलर की। इस पे ना बारीक बारीक ये देखिए डिज़ाइन भी है, बूटे बने हुए हैं, और बहुत सुंदर लगती है ये साड़ी। ये भी शादी के पर्पज़ से भी है, और वैसे भी है कि आप कहीं भी फंक्शन में जा रहे हैं तो पहन सकते हैं। और जो इसका ये जो पल्लू है ना, ये सर पे आता है तो ब्राइडल का जो लुक है ना, बहुत ही अच्छा बढ़ जाता है। ये देखिए मैं आपको लगा के दिखाती हूँ इस तरीके से, ये बहुत सुंदर लगती है साड़ी। तो ये साड़ी को भी मुझे बहुत बहुत पसंद है। तो मैं वैसे भी ना अपनी साड़ियाँ बहुत अच्छे से रखती हूँ, तो ये काफ़ी पुरानी साड़ी है, लेकिन रखने का भी एक तरीका होता है। तो ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं वही साड़ी दिखा रही हूँ जो मैं अक्सर पहनती हूँ। और ये थर्ड नंबर की साड़ी दिखा रही हूँ, येलो कलर की साड़ी। आजकल बहुत सी शादी में आपने देखा होगा हल्दी और मेहंदी रस्म, जैसे हल्दी हुई तो येलो कलर की साड़ी पहनी है, ग्रीन हुई तो ग्रीन कलर की मेहंदी में साड़ी पहनी है ग्रीन कलर की। तो ये येलो कलर की जो साड़ी है, ये भी सिल्क में है, और आप इसे मेहंदी उसमें सॉरी हल्दी में पहन सकते हैं। बड़ी सुंदर साड़ी है, और इसमें भी ना इसका भी पल्ला मेहरून है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें भी बहुत, ये जो डिज़ाइन है ना ये वाला, ये मुझे बहुत बहुत पसंद है। और ये भी मेरी काफ़ी पुरानी साड़ी है, लेकिन वही है कि रखने का तरीका होना चाहिए अच्छा वाला। कहते हैं ना कि अगर आप कपड़ों की कदर करोगे तो कपड़ा आपकी कदर करेगा। तो वही मेरी मम्मी ने मुझे ये चीज़ सिखाई थी कि आप कपड़ों की कदर करोगे, साड़ी हो या कुछ भी कपड़ा हो, सूट वगैरह हो, आप जब तक उसको सही तरीके से नहीं रखोगे तो वो अगर ऐसे गुचल गुचल से करके रख दोगे बेकार करके, तो कहीं भी आप जाओगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी साड़ी पहनने पे। तो मैं साड़ियाँ बहुत अच्छे से रखती हूँ, देखिए कितनी आज भी बहुत, मतलब 10 साल तो इसको हो गए हैं साड़ी को, और मुझे ये आज भी बहुत एकदम नई सी साड़ी लगती है। और ये साड़ी भी मुझे बहुत पसंद है, येलो कलर मेरे पे बहुत खिलता भी है, अच्छा भी लगता है। और ये फ्रेंड्स, ये है फोर्थ नंबर की साड़ी, जो कि मुझे मिली थी गिफ्ट में, मेरी सिस्टर ने मुझे दी थी। और ये साड़ी भी मैं जब बांधती हूँ ना, मुझे बहुत सुंदर लगती है। मतलब ये सिल्क की जो साड़ियाँ होती है ना फ्रेंड्स, ये साड़ियाँ मतलब बहुत ही जल्दी एकदम आराम से बन जाती है। और एक बार जब बन जाती है ना साड़ियाँ, तो कहीं भी मतलब इसको ऐसा नहीं है कि आप खड़े होकर, एक तो जल्दी बहुत जल्दी ही बन जाती है, सबसे अच्छी बात तो ये। और बन के ना फिर जैसे आपने बांधी है वैसी की वैसी रहती है, ऐसे नहीं कि कभी इधर से सही कर रहे हो कभी इधर से सही कर रहे हो। तो ये स्पिंकल की साड़ी, ये भी सिल्क में है, लेकिन ये जॉर्जेट थोड़ी सिल्क जो होती है ना उसमें है ये साड़ी। तो ये साड़ी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और फ्रेंड्स, ये है फिफ्थ नंबर की साड़ी, येलो कलर, ये भी येलो कलर है, लेकिन थोड़ी ये ना हैवी साड़ी है, सिल्क में है लेकिन थोड़ी सी ये हैवी साड़ी है, उस वाली येलो साड़ी से हैवी है थोड़ी। और ये है मस्टर्ड येलो, वो था थोड़ा सा वैसा मैंगो येलो होता है ना इस टाइप में था, और ये मस्टर्ड येलो है। और ये साड़ी भी मैंने पहनी है, लेकिन इस ये ना फ्री पल्ले में बहुत सुंदर लगी थी ये साड़ी मुझे,
जब मैंने इसको पहना था, और एक करवा चौथ पे जब मैंने इसे पहनी थी तो प्लेट्स डाल के मैंने पहनी थी, लेकिन ये फ्री पल्ले में बहुत सुंदर लगती है ये वाली साड़ी। और फ्रेंड्स येलो कलर मेरे पे बहुत अच्छा लगता है, आप बताना कि आपको कौन सा कलर अच्छा लगा मेरे इस पे। फ्रेंड्स बात करते हैं 6 नंबर साड़ी की, और ये साड़ी है उसमें है ये साड़ी शिमर में, जब बहुत पहले चलती थी और अब दोबारा से इसका फैशन आने वाला है। वैसे तो ये शिमर में है ये साड़ी, लेकिन ये इसका जो पल्लू है ना वो नेट का है। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये जो पल्लू है ना ये सिर्फ नेट का है, बाकी देखिए शिमर में है ये साड़ी। और ये साड़ी ना बनके एकदम ऐसा लगता है लहंगा जैसा लुक लगता है इसमें, तो ये साड़ी भी बहुत बढ़िया साड़ी है। और आप बताइएगा कमेंट्स में मुझे कैसी लगी आपको ये साड़ी। और ये देखिए मैं आपको ओढ़ के भी दिखा देती हूँ, मतलब ऐसे पहन के तो नहीं दिखाती, तो ये देखिए ये साड़ी भी मुझे बहुत अच्छी लगी है। और फ्रेंड्स अब आती है 7 नंबर की साड़ी को, तो ये साड़ी बहुत सिंपल सी है, बस इसका क्या है ना जो पल्लू है ये हैवी है और ऐसा लगता है न्यू मैरिड जैसे पहनते हैं साड़ी को। वैसे इसका जो कपड़ा है बहुत हल्का है, बस ये बॉर्डर की वजह से इसका कपड़ा देखो कितना हल्का है, ये देखिए बहुत हल्का कपड़ा है, लेकिन जो इसका ये जो बॉर्डर है ना ये जो बॉर्डर है इसका, इसकी वजह से थोड़ा सा ये भारी लगती है साड़ी। भारी मीन्स मतलब जो न्यू मैरिड की जो साड़ियाँ होती हैं वैसी साड़ी है ये, और ये साड़ी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये कलर भी मेरे पे बहुत खिलता है। और फ्रेंड्स ये है 8 नंबर की साड़ी, ये ना मतलब वही वाली बात है कि ये कपड़ा हल्का है लेकिन जिसका एम्ब्रॉयडरी है इसका जो वर्क है ना रेड कलर की साड़ी इतनी प्यारी लगती है जब ये बनती है ना साड़ी फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर लगती है एकदम, ऐसा लगता है कि मतलब अभी न्यू मैरिड वाली लुक आता है एकदम। तो ये साड़ी ना बनने में तो थोड़ा सा भाई किसी की हेल्प चाहिए होती है, क्योंकि इस पर जो एम्ब्रॉयडरी है ना वो अकेले आप इस साड़ी को पिनअप नहीं कर सकते, तो थोड़ी सी हेल्प चाहिए होती है, लेकिन ये साड़ी बनती बहुत है और बहुत ही प्यारी लगती है, और रेड कलर भी मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी मैं ना डार्क कलर की साड़ियाँ पहनती हूँ, तो ये देखिए अच्छी लग रही है साड़ी भी, ये देखिए मैं इस तरीके से डाल के दिखाती हूँ। और मैं अक्सर ना जैसे कोई कीर्तन होता है या पिन्नी वगैरह होता है या कोई भी छोटा मोटा फंक्शन होता है तो इस साड़ी को मैं पहन के चली जाती हूँ, बहुत अच्छी लगती है साड़ी भी। और फ्रेंड्स ये 8 नंबर की साड़ी मैं आपको दिखाती हूँ, ये ऑल ओवर नेट की साड़ी है फ्रेंड्स, आप पहले जानते होंगे मतलब पहले बहुत पहले कम से कम 8-10 साल पहले की बात है, तभी नेट की साड़ी बहुत चल रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने भी एक नेट की साड़ी ली थी। और लेकिन ये पर ही क्या है ना इसमें नेट की साड़ी है ये आराम से बन जाती है, मैंने ज़्यादा वैसी साड़ी नहीं ली थी कि जो मुझसे नहीं बन सकती, तो ये देखिए यहाँ पे जो सिमर जैसा ही कुछ वर्क है, लेकिन साड़ी ये भी बहुत प्यारी साड़ी लगती है। और इसका जो पल्ला है आप इसको लहंगे की तरह भी पहन सकते हैं, मैं भी लहंगे की तरह ही पहनती हूँ इस साड़ी को, जब भी मैं पहनती हूँ लहंगे की तरह करके पहनती हूँ, तो ये साड़ी भी बहुत सुंदर है। और फ्रेंड्स एक व्लॉग में आपने देखा भी हो ये ब्लैक कलर, ये तो मुझे मतलब मैंने ब्लैक कलर बहुत कम पहना है शादी के बाद, मतलब ये सोचो कि मेरे फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट साड़ी है जो मेरी शादी के बाद है ये पहली, और ये साड़ी तो इतनी अच्छी है, चाहे आप इसको फ्री पल्ले में लो चाहे प्लेट्स डाल के लो इस साड़ी को, ब्लैक साड़ी को, ये बहुत ही सुंदर साड़ी है, बहुत ही प्यारी लगती है, चाहे आप सर पे पल्ला लो चाहे कैसी भी करो, लेकिन ये साड़ी वाकई भी इतनी ठंडी है ना, इसमें गर्मी भी नहीं लगी मुझे, इतनी अच्छी लगती है साड़ी मुझे बहुत प्यारी लगती है। और ये पता है हस्बैंड की गिफ्ट की दी हुई है, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है साड़ी। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट साड़ी ये तो बहुत ही ज़्यादा हैवी लुक वाली साड़ी है, आप इस साड़ी को पहनोगे तो काफ़ी सारी पिन वगैरह लगानी पड़ती है इस साड़ी में। वैसे ये इसका जो पल्ला है ना वही हैवी है, बाकी ये जो अंदर की साइड में है वो शिमर का काम करता है, ये देखिए ये शिमर की साड़ी जैसा ही है, ये देखिए। और फ्रेंड्स वैसे तो ये साड़ी बहुत हैवी है बनने में, और जब आप सर पे पल्ला रखोगे इस साड़ी को पहन के तो ऐसा लगता है कि मतलब यहाँ पे सिर पे ना अगर आप सर पे पल्ला रखते हो तो पिनअप वगैरह करो, वैसे ये साड़ियाँ बहुत बहुत अच्छी हैं। तो फ्रेंड्स ये हैं मेरी 10 साड़ीज़ जो मुझे बेहद बहुत ज़्यादा पसंद है, और आपको कैसे लगी ये साड़ी का कलेक्शन प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। तो आज मैंने अपनी साड़ियों का कलेक्शन आपके साथ शेयर किया है,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।